नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल सेवा का आईडी पासवर्ड किस तरह से ले सकते हैं। तो हमारा ये CSC सेंटर लेने के लिए जो हमारा एक सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो बना रखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पहले वीडियो में हमने बताया कि किस तरह से आप TSC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से सर्विस आपको मिल जाते हैं CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर में। और दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से आपको एग्जाम को क्लियर करना है, तो हमने वहाँ पे मॉड्यूल 1 को हम क्लियर करके दिखाए हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से मॉड्यूल 2 को क्लियर कर सकते हैं। और आने वाले जो वीडियो होंगे मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5, मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 9 और 10 मॉड्यूल्स है, उन सभी को क्लियर करना होगा। और इसके बाद फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, और फाइनल एग्जाम भी आपको किस तरह से क्लियर करना है उसके बारे में भी आपको बताने वाले हैं। और आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आप मॉड्यूल को क्लियर नहीं कर पाते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको CSC आईडी दिलाने वाला हूं, TSC सर्टिफिकेट आपको क्लियर एग्जाम करके भी दिलाने वाला हूं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बुक आईडी मिल जाएंगे, तो वहां से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूल 2 का एग्जाम हम क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और दोनों को वीडियो को देखिए और समझिए। इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको बेहतर समझ में आने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, मॉड्यूल 2 को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आपको TSC सर्टिफिकेट के ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट नजर आएंगे। तो आपको सबसे पहले लर्निंग पे क्लिक करके वहाँ पे मॉड्यूल 2 के लिए वहाँ पे वीडियो दिया गया है, वहाँ पे PDF दिया गया है, हिंदी में वीडियो है, इंग्लिश में वीडियो है। तो आप वहाँ पे देख करके पहले प्रैक्टिस कीजिए और इसके बाद यहाँ पे आपको मॉड्यूल 2 में आपको एग्जाम देना है। तो वो सब चीज़ें पहले आपको कंप्लीट करना होगा और इसके बाद आपको आना है मॉड्यूल 2 का एग्जाम देने के लिए। तो हम यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, जिसके कारण हमारे लिए यहाँ पे बेहतर होता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे तो आप भी आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको उतना नहीं सोचना है। वहाँ पे लर्निंग पे क्लिक करके आपको सबसे पहले वीडियो देखना है, PDF को पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे आ जाना है मॉड्यूल 2 पे। तो यहाँ पे मॉड्यूल 2 में आपको किस तरह से एग्जाम को क्लियर करना है, किस तरह से क्रैक करना है, किस तरह से पास आउट करना है, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है मॉड्यूल 2 पे। जैसे आप मॉड्यूल 2 पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से हमारे वेबसाइट पे आता है टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स ISB। तो यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करते हैं तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जो यहाँ पे 10 नंबर का एग्जाम आने वाला है, 10 में से आपको 4 नंबर लाना है पास आउट के लिए। और हमारा यहाँ जो समय मिल जाता है वो हमारा 1 घंटे के लिए हमें समय मिल जाता है। उद्यमिता में आपके उद्यम आदि से संबंधित जोखिमों को प्रबंधित करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल है। तो यहाँ पे ये ट्रू होने वाला है, तो हम यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। क्या उद्यमिता खाली स्थान शामिल है? जिम्मेदारियों का प्रबंध, कार्यों का आयोजन, नए उद्यम में जोखिम का मूल्यांकन, यह ऊपर के सभी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑल ऑफ दिस यानी ऊपर के सभी पे क्लिक कर देना है और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए युद्धम हमारे सामने ऑप्शन मिलता है। एक मानसिकता जो तैयार की जाती है, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है, दोनों सही है, कोई भी सही नहीं है। तो हम यहाँ पे बहुत यानी दोनों सही है यहाँ पे हम क्लिक करने वाले हैं, फिर आगे बढ़ने वाले हैं। उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है, जहां विचार हो सकते हैं साझा और आकार। तो यहां पे आपको फॉल्स पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है खाली स्थान उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है, सृष्टि, नवीकरण, नवोन्मेष, प्रयोग। तो इस ऑप्शन में हम यहाँ पे ऑप्शन 1 सेलेक्ट करते हैं, सृष्टि। आप हमारे सामने 6ठा क्वेश्चन आ चुका है। संगठन उद्यमी नहीं है, लेकिन लोग युद्धमी है। आपको यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब हमारे सामने 7वां क्वेश्चन मिलता है, युद्धमियों को बड़े होने का लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ये हम यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करके आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे सामने 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, सफल होने के लिए युद्धमियों को खाली स्थान का होना आवश्यक है, धीरज, रोगी, पैसा या भाग्य। तो हम यहाँ पे धीरज पे क्लिक करने वाले हैं। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, संगठनों के भीतर युद्धमी नेताओं को प्रेरित करने और बनाने के लिए कैसे मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधियों के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के अंदर उद्यमशीलता परिस्थिति की तंत्र का अक्सर कर्मचारियों को बढ़ावा देना। यहाँ पे दोनों सही है पे हम पे क्लिक करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं हमारा एग्जाम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है और ये हमारा लॉग आउट हो जाएगा। और लॉग आउट करके हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा इस एग्जाम में कितना नंबर आ चुके हैं। अब देखना है कि हमारा इस मॉड्यूल 2 में कितना नंबर मिला है। तो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि कितना नंबर आपको मिला है। तो चलिए मुझे कितना नंबर मिला है आज के इस मॉड्यूल 2 में आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मॉड्यूल 2 में हमारा नंबर मिला है 5। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और हम पास आउट कर चुके हैं और आने वाले जो हमारा अगला वीडियो होगा वो मॉड्यूल 3 के लिए होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं CSC ID के लिए मैं पूरा डिटेल वीडियो बता रहा हूँ। 10 से 12 वीडियो का एक सीरीज हो रहा है, उस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले जाकर के हमारा 1 और 2 देखिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि किसके बारे में हम बता रहे हैं।